अच्छा ये अदसर सांप है, अब देखिए एकदम पूरा नाग के रूप में आ गया है। हाँ 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 माता, देखिए 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 मेरे माइक पे डंक मार दिया भैया, ये माता रानी कृपा। देखिए मेरे माइक पे डंक मारे, स्वयं माता रानी कृपा है। देखिए भैया कभी रास्ते पे निकलते हैं सांप को देख लेते हैं तो शरीर में कंपन घुस जाता है कि क्या हो जाए, काट ले मर जाएंगे, डर लग जाता है, शरीर का रोआ खड़ा हो जाता है। और देखिए पीछे में छोटे छोटे बच्चे हैं, भगत जी हैं, सब लोग जहरीला जहरीला सांप को लेकर के खड़ा है। और सांप डंक भी मार रहा है, काट भी रहा है, दांत भी घुसा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप कहिएगा कि बिसैला नहीं है, बिसैला सांप सब भगत जी रखे हुए हैं, गेहूमन सांप है, अदसर सांप है। अब भगत जी को अभी अभी देखिए दांत मारा, यहाँ पे खून निकल गया है, यहाँ है ना दो दो है ना, दो दो जगह पे काटा है। इसका दो ये दांत होता है, कौन सांप काटा है अभी आप? अदसर, अदसर आप देखिए देख लिए। अच्छा ये जो फन जोड़े हुए है ये कौन सांप है? यही अदसर है, ये अदसर है। अदसर तो मान लीजिए फूंक देता है तो लोग को मर जाता है, क्या डर लगता है, हमको अभी डर लग रहा है, लेकिन आपको दांत मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये माता रानी कृपा है, जहरीला सांप से भी कुछ नहीं होता। नहीं माता रानी कृपा। कौन कौन सांप है अभी आपके हाथ में? अदसर, गेहूमन, अच्छा हर हरा, अच्छा ये हमारे हाथ में, अच्छा और चेला चाटी के हाथ में धामन दिए हुए हैं। आप भैया भैया जो सांप ये हाथ में रखे हुए हैं आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अन्य दिनों जब ये सांप किसी के घर में चल आता है तो पूरा घर घर छोड़ के भाग जाता है, आ पूरा घर भाग जाता है और लोग डरा रहता है। इसको देख करके हमको अभी और डर लग रहा है, लेकिन देखिए भगत जी की शक्ति देखिए भैया कि हमारे सामने में बाइट किया है। हम वीडियो बनाने से पहले इनको पूछ लिए कि भगत जी कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, किसी को नुकसान हो जाए तो भैया फंसेंगे हम। क्या भगत जी हम बोले कि नहीं बोले कि बोले हैं, बोले हम बोले कि नुकसान नहीं होगा। हाँ नहीं, अगर कोई नुकसान होगा तो आपकी जिम्मेवारी, माता रानी की जिम्मेदारी, हम नहीं फंसेंगे नहीं कोई ना। अच्छा ये अदसर सांप है, अब देखिए एकदम पूरा नाग के रूप में आ गया है। हाँ 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 माता, देखिए 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 मेरे माइक पे डंक मार दिया भैया, ये माता रानी, देखिए मेरे माइक पे डंक मारे, स्वयं माता रानी कृपा। ये देखिए हाँ देख लीजिए, अब भैया डर से हालत खराब, सब माता रानी, ये माता रानी कृपा है, माता रानी कृपा। अच्छा इसमें अभी जहर तो है, जहर तो मारिए देखिए। और देखिए तीसरी बार हमारे माइक पे डंक मारे हैं नागराज इसमें, और देखिए फिर से बाइट मारे इनके हाथ में, देखिए चार दांत है, नहीं सब दो दांत है, सब दो दांत, देखिए दो दांत है ना, सब दो दांत है, इसका दो दांत होता है बिख वाला, बिख वाला, बिख वाला दो दांत होता है, बिख वाला दो, कोई कहेगा निकाल देगा तो जुलूम हो जाएगा इसका। हम अपना बेटा बेटी से बड़ को मानते हैं, इसका कोई कहता है दूध लावा खिलाते हैं, ये दूध लावा खाने वाला नहीं है, ये मांसाहारी है। क्या नाम है भगत जी आपका? अशरफी पासवान। और भैया अशरफी पासवान जी हैं, इनके हाथ में मेरे सामने चार बार अदसर सांप जो है ना डंक मार दिया, और चार जगह दो दांत का निशान है इनके हाथ पे। आ इधर देखिए नाग के रूप में अदसर आ गए, अब माइक पे चार बार फन मारे हैं। एक बार आपको और दिखाते हैं किस तरह से ये मार रहे हैं, डंक मार रहे हैं, तो आप पकड़े रहिएगा भगत जी, ये देखिए। डर से मेरा हालत खराब है, लेकिन ये भी एक चमत्कार है। आ चमत्कार भैया कोई भगत जी कर रहा है तो दिखाना बनता है, वो भी अपने रोसड़ा के हनुमान नगर में। आ ये सब सांप जो आप देख रहे हैं ना, ये तैयारी चल रहा है नाग पंचमी का, आ नाग पंचमी में बड़े जोर शोर से अभी तो ये ट्रेलर देख रहे हैं, यहाँ पे कहिए कि 200-300 सांप से भी ज्यादा सांप यहाँ देख। जी जी जी, पूरा सांप ये ट्रेलर है अभी। हाँ माता रानी यहाँ पर प्रदर्श है, आप देखिए चार दांत निकला भैया हाथ में, चार दांत नहीं है, नहीं, दो दांत है ना, हाँ, हाँ। दो बार डंक मारा, दोनों दांत दोनों बगल साइड हुआ है, हाँ, हाँ, हाँ। इसका इसका दुये दांत होता है बिसैला, दुये दांत बिसैला, कोई साला माधर चोद उसका निकाल देगा तो जान से खतरा करेगा, इसका वो सामान रहना चाहिए। इसका मेढक खिलाते हैं, चूहा खिलाते हैं, कोई कहता है जो दूध लावा, कोई मेढक चूहा खिलाते हैं। हाँ मेढक ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे इसका जहर खत्म। नहीं देखो ना हमको सामने में, वो तो मारा है आपके हाथ में भैया, हम चम आश्चर्य में डूबे हुए हैं कि कैसे किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है कि अदसर सांप काट ले। लोग बोलता था कि धामन काट रहता है, धामन का दांत ये कर देता है, बेहोश कर देता है, सब जिंदा है, फन मार रहा है, फुफकार रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, मेरे माइक पे जो ये नागराज मार दिया है डंक, तो इसमें जहर नहीं आया? नहीं नहीं माता रानी कृपा है, ऐसा नहीं हो कि मुंह में सटा के बोल रहे हम ही मर जाए। और भैया पीछे में माता रानी की मंदिर है, मंदिर भले ही बहुत बड़ा नहीं है लेकिन माता का जो कृपा है वो बहुत बड़ा है, और माता रानी बहुत दिव्य स्वरूप में है, भव्य स्वरूप में है, और माता रानी के चरणों में अभी सैकड़ों सांपों को गमला घैला में बंद करके रखा गया है। और यहाँ पे पूरा खानदानी होता है, अच्छा अच्छा।
इनके बाबा जी थे, उनके बाद रुक जाए। और देखिए एक सांप दूसरे सांप को डंक मार रहा है क्या? देखिए एक सांप दूसरे सांप को डंक मार रहा है, खून निकाल दिया है। इनके बाबा जी थे, उनके बाद पिताजी हैं श्री राम प्रसाद पासवान भगत जी, उनके बाद अच्छा भगत जी एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप लोग सांप को पकड़ लेते हैं, सांप को बहुत दिन तक आप लोग भूखे प्यासे रखते हैं, जिससे सांप तंग होता है, प्रताड़ित होता है, इसका शोषण होता है और सांप कहीं ना कहीं अधमरा हो जाता है। इस क्या देखिए ना सामने में है, बात सही है गलत? सामने में देखिए कितना अपना मस्ती में है, देखिए कितना मस्ती में है, ये मस्ती में। तो भैया ये जितना सांप है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको देख करके ही डर लग रहा है, लेकिन इतने सारे लोग इस तरह से सांप को रखे हुए हैं, ये अद्भुत है, आश्चर्य करने वाला है। और निश्चित रूप से नाग पंचमी के दिन इससे भी भव्य आयोजन, भव्य प्रदर्शन किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। तो पीछे माता रानी का मैया है, अब भैया हम भी माता रानी के भक्त हैं। भाई सांप को पकड़ के रखो, थोड़ा सा देख लीजिए सांप कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तो भैया एक बार बोलिएगा सब लोग, दुर्गा मैया की, माँ बिसारा की, माता बिसारा की, माता बिसारा की, माता भगवती की, माता भगवती की, नाग देवता की, भगत महाराज की, भगत महाराज की, समाज की, दस समाज की, इस समाज हनुमान नगर की, हनुमान नगर गांव की।